आज हम बनाने वाले हैं एकदम रूई जैसा सॉफ्ट स्पॉन्जी मॉइस्ट इंस्टेंट ढोकला। ढोकला जब भी हम बनाते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं बनता है या उसमें जाली अच्छी सी नहीं बनती है। इसका कारण है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो जिसे ये सॉफ्ट नहीं बनता है। लेकिन यहाँ मैं कुछ ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ आपको, जिसे फॉलो करके आप बिल्कुल रूई जैसा सॉफ्ट स्पॉन्जी और मॉइस्ट ढोकला बना पाएंगे। ढोकला खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि कोई भी इसको बना पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंस्टेंट ढोकला बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप बेसन लिया है। वजन से आपको बताऊँ तो लगभग ये 250 ग्राम है, तो 2 कप हम बेसन डाल लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है, जिससे हल्का सा कलर आ जाएगा। 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक कट करके भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें चीनी डाल लेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ नींबू का रस लिया है। ज़रूरी टिप्स है यहाँ, आप चाहें तो नींबू के रस की जगह आप थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं या आप सिंथेटिक विनेगर भी ले सकते हैं, उसका भी 1 ढक्कन ले लीजिए, या नींबू सत्तू भी लिया जा सकता है। 1 चम्मच हम यहाँ तेल डाल लेंगे और थोड़ा सा हम पानी लेंगे। पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। घोल को हमें ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं करना है, बस ऐसा लिक्विड ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। बहुत ही अच्छा हम घोल तैयार करेंगे। ज़रूरी टिप्स ये है यहाँ कि आप अगर दही ले रहे हैं तो पानी यहाँ कम लगेगा, तो मैंने यहाँ दही का इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए पानी मैंने डाला है, तो आप पानी ध्यान से डालना। देखिए बिल्कुल इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे बेसन है ना थोड़ा सा फूलेगा, तो अच्छी हमारी कंसिस्टेंसी का घोल बनकर तैयार होगा। अब मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए जो हल्का सा चौड़ा हो और इस चीज के किनारे उठे हुए हों, या आपकी एक टिन भी ले सकते हैं। तो मैंने जो बर्तन लिया है, ऐसा बर्तन सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, तो हम इसमें थोड़ा सा घी या तेल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और घोल को चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा घोल तैयार हुआ है। बेसन है तो हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना। अब मैंने यहाँ इनो लिया है, यानी कि फ्रूट सॉल्ट लिया है, ये लगभग 1 चम्मच है, 5 ग्राम है ये, तो लगभग 1 चम्मच है ये, तो ये डाल लेते हैं और थोड़ा सा हम इस पर पानी डाल लेंगे, जिससे ये जल्दी से एक्टिव हो जाएगा और अपना काम अच्छे से करेगा। तो एक बार हमें अच्छे से इसको मिलाना है, ज़्यादा देर तक घोल को ऐसे घुमाना नहीं है। तो चलिए इसको हम अब जो मैंने ग्रीस करके जो टीन रखी थी उसमें डाल लेते हैं। और हल्का सा हम इसे टैप कर लेंगे, जिससे इसमें जो बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अब मैंने कढ़ाई में 2 कप पानी लिया है और मैंने जाली वाला स्टैंड लगा दिया है। आप चाहें तो कोई भी कटोरी या कोई भी ढक्कन है तो वो लगा सकते हैं। तो चलिए हम टिन इसमें रख देते हैं और इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। आप 15 मिनट के बाद एक बार चेक कर लीजिए। तो 15 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक लेंगे और डाल के देखेंगे कि ये पका है कि नहीं। बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाल लिया है। 1 चम्मच ही हम यहाँ सरसों के दाने डाल लेंगे। सरसों के दाने चटकने के बाद हम इसमें 10 से 12 करी पत्ता डाल देंगे। इसे भून लेंगे थोड़ा सा।
साथ ही साथ मैंने यहाँ दो हरी मिर्च ली हैं जिसको लंबा लंबा कट कर लिया है, इसे भी भून लेंगे हल्का सा। एक चम्मच हम यहाँ चीनी डाल लेंगे, एक चम्मच चीनी डाल लेते हैं और साथ ही साथ एक चम्मच हम इसमें नींबू का रस डाल लेंगे और करीब करीब एक कप हम इसमें पानी डाल लेंगे। ये आधा कप है, आधा और डाल लेते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ एक कप पानी यूज़ किया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें चाहे तो आप एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए ढोकला अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम चाकू की सहायता से इसके किनारे हटा लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हल्का सा टैप करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। अब इसे कट कर लेते हैं। आप अपने पसंद से इसे कट कर सकते हैं, छोटे बड़े टुकड़े जैसे आपको चाहिए आप कट कर सकते हैं। कट करने से ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। अब जो हमने तड़का तैयार किया है उसे डाल लेते हैं। तड़का डालने के लिए यहाँ एक ज़रूरी टिप्स है, जब हमारा ढोकला भी हल्का सा गर्म हो और तड़का भी हल्का हल्का गर्म हो तभी हम उस पर डालेंगे, तो बहुत ही अच्छा मॉइस्ट हमारा ढोकला बनकर तैयार होगा। देखिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, एकदम स्पॉन्जी और बिल्कुल सॉफ्ट हमारा ढोकला बना है। देखिए आप देख सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी जाली बनी है। आप भी ऐसे बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में एकदम टेस्टी है। आप भी ऐसे बनाइए और खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।